वन और वनों में निवास करने वाले थारू जनजाति जो सदियों से वनों में आश्रित है, जिनका मुख्य पेशा जंगलों से जुड़ी हुई है। वन अधिकार कानून 2006 में लागू हुआ है, फिर भी लोगों का अधिकार नहीं मिल रहा है। लोगों को जंगल आने जाने में रोक लगा दिया गया है, जिसमें खासकर रामानंद महतो जी ग्राम जमहली के जो काफ़ी समस्याओं को सामना कर रहे हैं। मैं तंजू ए मेरे समुदाय हाँ हर संग हाँ खर खरही घास सब सब जंगल से हम लोग का फिर भी मिलता है। अभी अभी, अभी सब बंद हो गया है। क्यों? सरकार के टाइगर प्रोजेक्ट के जब अति हो गया तब से बंद कर दिया है। जंगल से जलाओ नहीं लाने देते हैं? जंगल से जलाओ नहीं लेने देता है, वो झाड़ी झूरी लेने देता है। तो झाड़ी झूरी वो बहुत मना करता है कि जो बखुआ लेकर नहीं जाना है, हाथ से तुर कर ले आना है। तो हाथ से कितना मोट लकड़ी टूटेगा? कौनो दिक्कत है तो नहीं कर सन, मनी रोक ठोक जब तब कर लसन। कुछ ना झगड़ा झंड ठोला छोड़ दलाल कर जलाओं में काथी करे पतर पतर आना तनिक। वन अधिकार यह एक एक्ट है, कानून है, जो यहाँ के जनजाति हैं थारू हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक कानून है, जो यह सिद्ध करता है कि जो पहले से उनके पूर्वज अपना अधिकार जैसे झरता पड़ता हर संघा घर संघा खर खरकी साबे घास हरचौरी खरचौरी कोयलरी इस प्रकार की अधिकार जो पहले से था वह मिलना चाहिए। लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिससे आज भी हमारे समाज में यह समस्या बनी हुई है। पहले जंगल कैसा था, अब कैसा हुआ है? जंगल तो बहुत कट गया है, पहले से जंगल कम हो गया। अधिकारी जो है पेड़ को कटवाता है और पेड़ों की कटाई की खूंटा के नाम रख देता है यहाँ के निर्दोष ग्रामीणों के ऊपर कि वही काटा है, जबकि हमारे यहाँ के लोग आज भी बेघर हैं। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग का हक चाहिए जो पहले से मिलता है, खर खरी हर संघा घर संघा मिलता है, वही ना हम लोग का चाहिए। जंगल फ्री चाहिए कि जो हम लोग अपने गाय भैंस जंगल चरा सके। अगर जंगल बंद हो जाए तो क्या आप लोग जी पाएंगे? तो हम लोग का जीना मरना जंगल ही में है, अगर जंगल बंद हो जाएगा तो हम क्या चीज़ से जिएंगे? मैं इस जंगल से जुड़ी हुई हूँ और मेरे परिवार के हर लोग इस जंगल से आश्रित है। मैं इस समस्या को लेकर वीडियो बना रही हूँ। जिलाधिकारी अभय कुमार, जिनका नंबर है 94731-91294, इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाए और जिसमें हमारा हक सुनिश्चित हो सके। मैं तंजू, पश्चिम चंपारण, बिहार से इंडियन हर्ट के लिए।